इन्होंने खुद बैरियर हटाया, पुलिस की व्यवस्था है, इन्होंने खुद बैरियर हटाया। रैली फॉलो करने चाहिए, रैली का फॉलो कर रहे हैं हम सीएम की सिक्योरिटी में है, सीएम की सिक्योरिटी में। ये देखिए इनका व्यवहार, देखिए आप नहीं कुछ भी, आप थे नहीं इसमें, आप थे नहीं इसमें, आप थे नहीं इसमें, आप थे नहीं इसमें, आप थे नहीं। हाथ लगाया मुझे नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूँ सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। भाई सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता और एक कांस्टेबल के बीच जो तीखी बहस हुई, उसके बाद जिस प्रकार से हेड कांस्टेबल ने उस बीजेपी नेता जो कि जिला अध्यक्ष हैं उनको जो है पाठ पढ़ा दिया, इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा की जा रही है। देखिए जरा इस वीडियो को, अधिकारी के लिए सीएम की सिक्योरिटी है, सीएम की सिक्योरिटी है, इसमें ना तुम थे ना कोई था। अरे तो जिलाध्यक्ष थे इसमें, जिलाध्यक्ष थे इसमें, नहीं थे जिलाध्यक्ष, इसमें नहीं थे। अब तुम आवाज़ गाड़ी से, तुम आवाज़ गाड़ी से, ये जिलाध्यक्ष से बात करके और इनके व्यवहार देख लीजिए, यहाँ गाड़ी रुकी जा रही है। हाँ, मेरे तुमसे अच्छा व्यवहार है, तुमसे अच्छा, तुमसे बढ़िया व्यवहार मेरा। बैरियर लगाइएगा, इन्होंने खुद बैरियर हटाया, पुलिस की व्यवस्था है, इन्होंने खुद बैरियर हटाया। ये आए पुलिस में हावी हो गए और ये देखो गाली गलौज कर रहे पुलिस के साथ, पुलिस के साथ गाली गलौज कर रहे हैं, भद्र व्यवहार कर रहे पुलिस के साथ। हाँ हाँ बिल्कुल, रैली का फॉलो कर रहे हैं हम सीएम की सिक्योरिटी में है, सीएम की सिक्योरिटी में। ये देखिए इनका व्यवहार, देखिए सीएम की सिक्योरिटी का सवाल है आपका, आप नहीं कुछ भी, आप थे नहीं इसमें, आप थे नहीं इसमें, आप थे नहीं इसमें, आप थे नहीं इसमें, आप थे नहीं। हाथ लगाया मुझे, इस वीडियो को शेयर कर यूपी कांग्रेस लिखती है कि बागपत में भाजपा जिला अध्यक्ष और उनके कुछ कार्यकर्ता पुलिस वालों से भिड़ गए और तू तड़ाक गाली गलौज के साथ पुलिस वाले की औकात तक देखने लगे। कारण बस इतना था कि सीएम सिक्योरिटी में लगा ये पुलिसकर्मी इनकी गाड़ी अंदर बाबा के कार्यक्रम स्थल तक नहीं जाने दे रहा था, वो भी इसलिए कि गाड़ी पर भाजपा जिला अध्यक्ष तो लिखा था मगर गाड़ी में अध्यक्ष जी नहीं बल्कि उनके चेले बैठे हुए थे। इतनी सी बात पर अध्यक्ष जी और उनके कार्यकर्ता इतने नाराज हुए कि पुलिस वाले की औकात तक ना दी। भाजपाई गुंडों की गर्मी थमने का नाम नहीं ले रही है, ये पूरे प्रदेश को अपनी जागीर समझ रहे हैं। बाबा कुछ सिखाइए अपने कार्यकर्ताओं को, अपने ही कार्यक्रम का खुद ही सत्यानाश करने पर तुले रहे हैं। अब जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं कि पहले जो है बहस होती है इस बात को लेकर कि भैया गाड़ी अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि गाड़ी पर अब जिलाध्यक्ष लिखा हुआ था और जिलाध्यक्ष साहब इसमें थे नहीं, जिलाध्यक्ष साहब अलग दूसरी गाड़ी में आए, तब आए जब ये बवाल पूरा खड़ा हो गया था, उनके जो है चेले चपाटे इस गाड़ी में बैठे हुए थे, जिसको लेकर पुलिसकर्मी जो है वो हाइपर हो गया। उसके बाद उन्होंने वीडियो निकाला और वीडियो बनाना शुरू कर दिया, वीडियो जैसे ही बनता दिखा तो जिलाध्यक्ष साहब भी आपा खो बैठे और उन्होंने जो है बहस करनी शुरू कर दी। अब जैसे ही ये मुद्दा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना, फौरन जो है बागपत पुलिस ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए एक प्रेस नोट जारी किया। बकायदा बागपत पुलिस ने जो है प्रेस नोट जारी कर लिखा कि अवगत कराना है कि आज थाना बड़ौत क्षेत्र अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत बवाली चुंगी से आगे कार्यक्रम स्थल की तरफ गाड़ियों का जाना प्रतिबंधित था। बैरियर पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठे हुए लोग उसे जबरदस्ती प्रतिबंधित रास्ते की तरफ ले जाना चाहते थे और जिलाध्यक्ष बागपत की बता रहे थे, जबकि उसमें जिलाध्यक्ष सवार नहीं थे। पुलिसकर्मी द्वारा गाड़ी नियमानुसार रोक दी गई। थोड़ी देर बाद जिलाध्यक्ष वहां पर पहुंचे और उनके और पुलिसकर्मी के बीच गाड़ी को लेकर बहस हुई। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर प्रकरण को जो है समाप्त कराया गया। अब हालांकि यहां पर बागपत पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर सफाई तो दे दी, लेकिन इसको लेकर जो है सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी हुई है कि भाई हेड कांस्टेबल साहब ने जो है यहां पर जिला अध्यक्ष को अच्छे से सिखा दिया पाठ। जी हां, सोशल मीडिया पर लगातार इस खबर को लेकर चर्चा अभी भी बनी हुई है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। इसके अलावा जो खबर जुड़ी है वो दबंगई से जुड़ी है। दरअसल यहाँ पर अलीगढ़ का एक मामला था जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा की जा रही है। Thank you.
यूपी कांग्रेस ने इस वीडियो को शेयर कर लिखा, ये कोई फिल्मी सीन नहीं जिसमें पुलिस की वर्दी पहने किसी कलाकार पर गुंडों ने हमला किया हो, बल्कि अलीगढ़ की सड़क पर भाजपाई गुंडों का आतंक है। बुलेट से पटाखे छोड़ने को मना करने की बात पर गुस्सा उनके सिर पर ऐसे सवार हो गया कि वो TSI कमलेश यादव को सरेरा कार से खींचकर दौड़ाकर मार रहे हैं। इस मारपीट में TSI यादव के कपड़े तक फट गए, मगर इन सत्ता पोषित अपराधियों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। इन गुंडों को ना पुलिस की वर्दी का ख्याल है, ना ही इनके मन में कानून का भय है। एक पिछड़े वर्ग के अधिकारी की सरेरा यूं पिटाई देखकर ये सत्ता भी अंधी हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए कानून के इस रखवाले से जरूरी है उनका वो टुच्चा गुंडा। वैसे भी ठोको नीति वाली सरकार में सड़कों पर गुंडे मवालियों का ही तो राज चलेगा। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी जो है पोस्ट कर लिखा कि भाजपाई अहंकार अब पुलिस पर भी हाथ उठा रहा है। सवाल यह है कि भाजपा में बढ़ती दबंगई के सिर के ऊपर प्रश्रय का हाथ कौन लगा रहा है, इन्हें कौन बचा रहा है? भाजपाइयों में जीरो टॉलरेंस के लिए टॉलरेंस जीरो क्यों है? अब जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी की जो है बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता कथित तौर पर उसे जो है मार रहे हैं, इसको लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया, जिसके बाद जो है TSI खुद जो है ये कहते नजर आए। मुझे आदेश मिला था, PRO साहब का फोन आया था कि एक गाड़ी संदिग्ध है, चेक करिए जाके। मैंने उस गाड़ी को चेक करने के बाद एक मॉडिफाइड बुलेट जिसपे बहुत तेज आवाज आ रही थी साइलेंसर की, उसको मैंने जब चेक किया तो वो गाड़ी मुझे आगे चल करके मिल गई। उस गाड़ी को मैंने यहाँ पर आके रोका। रोकने के बाद यहाँ पर तमाम तथाकथित पार्टी के पदाधिकारी आ गए, उन्होंने मेरी ये हालत की, मेरे साथ बदतमीजी की, और स्वयं SHO बन्ना देवी इस बात के गवाह है और CO साहब गवाह है, और उनकी मौजूदगी में मेरे साथ ये बदतमीजी की गई, मेरे कपड़े फाड़े गए, मेरे साथ मारपीट गई, मेरे पास खून निकला गया, और मुझ पर झूठे तमाम इल्जाम लगा करके मुझे बदनाम किया जा रहा है। अब जैसे जैसे ये बवाल बढ़ता गया, वैसे वैसे जो है यहाँ पर जिले की पुलिस भी मामले को लेकर सख्ती बरतती दिखी, और फौरन जो है अगले दिन दो लोगों को इसमें गिरफ्तार कर दिया गया। और पुलिस अधिकारी ये कहते नजर आए, ट्रैफिक इंस्पेक्टर द्वारा थाना बन्ना देवी पर एक मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर मॉडिफाइड साइलेंसर होने का शक उसको हुआ था, जिसके विधिवत उसने चेकिंग की, और इसको लेकर के कुछ लोगों के द्वारा उसका घेराव किया गया, उसकी गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया, तथा उसमें से दो व्यक्ति उसके ऊपर हमलावर भी हुए। उपरोक्त प्रकरण को गंभीरता से संज्ञान लेते हुए तत्काल मुकदमा इसमें दर्ज किया गया है, अभद्रता एवं सरकारी कार्य में बाधा का, और मुकदमा दर्ज करने के बाद उपरोक्त दोनों बुलेट चालक एवं हमलावर व्यक्ति दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। उपरोक्त संबंध में साक्ष्यों के आधार पर CCTV फुटेज के आधार पर यह कार्रवाई की गई है, और सुसंगत धाराओं में विधिक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है, और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि पुलिस के साथ कहीं पर कोई भी सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करता है उसके विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर काफी चर्चा बनी रही, और इसी के साथ खत्म होता है आज के वाल खबरों का हिसाब किताब। जाते जाते सुनिए कब यूपी से जुड़ी तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं यूपी तक की वेबसाइट पर, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, और तमाम ऐसे वीडियोज और अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।